अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में शवारमा ब्रेड से बनाए गए पिज्जे की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ साथ आपने डेली बेसिस पर फ्रेंड सर्कल में लाजमी मेरी वीडियोस को शेयर करना है, जिससे हमें मजीद आपकी लव और सपोर्ट मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि आज जो हम पिज्जा बनाने वाले हैं इसके लिए हमें कौन से इन्ग्रीडियंट्स रिक्वायर होंगे। चलिए अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। हमने एक बाउल जो है वो मोज़रेला और चेडर चीज दोनों को मिक्स करके शेड कर लिया है। कद्दूकस हमने करके चीज ले लिया है। इसके साथ हमने 250 ग्राम जो है बॉईल किया हुआ चिकन इस्तेमाल किया है। इसको हमने काली मिर्च और नमक डाल के हल्का सा को बॉईल कर लिया है। होममेड हमने टोमेटो सॉस इस्तेमाल किया, जो पिज्जा सॉस होती है। आप हमारी वीडियोस के लिंक पर कुकिंग विद किरण पे जाकर आप देख सकते हैं कि इसको होममेड पिज्जा सॉस किस तरह बनेगी। इसके साथ हमने ब्रेड्स लिए हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी के ले सकते हैं। अगर आपने इसको भी बनाना सीखना है तो आप टेस्टी रेसिपीज कुकिंग विद किरण में जाकर इसको भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं मार्केट का बना हुआ इस्तेमाल करूंगी। टोमेटो केचप, थोड़े से जो टोमेटोज हैं इसको मैंने स्लाइस कर लिए सर्कल्स में, और थोड़े से अनियन लिए हैं हमने व्हाइट कलर के, और इसको भी हमने रिंग्स की फॉर्म में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसके साथ कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च भी, लेकिन मैं शिमला मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो चलिए अब हम जल्दी से पिज्जा ब्रेड के ऊपर अपनी सारी चीजों को डेकोरेट करके इसको बेक करते हैं। अच्छा जी, जैसा कि व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया। बेकिंग ट्रे पर हम अपने पिज्जा की जो ब्रेड है इसको रखेंगे। ये मैंने एक ब्रेड ले लिया। अब ब्रेड के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी पिज्जा सॉस लगाएंगे। इस तरह से आपने अच्छे से टोमेटो जो सॉस है उसको लगा लेना है। इसके बाद ये जो हमारा उबला हुआ चिकन है इसको हम लेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर बोटी की सूरत में भी चिकन ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है, या कीमे के तौर पर भी आप इसको बना सकते हैं। अब हम इसको कटते हैं साइड पे। अब जितनी मेरी वेजिटेबल्स कटी हुई हैं, और एक साइड पे जो मैं अपना चीज ले लूंगी, इसको हम जोड़ेंगे। अब मैं चीज लूंगी और इसको गार्निश कर दूंगी। मैंने सबको श्रेड किया हुआ है, कद्दूकस किया है। चलिए जी, अब हमारा पिज्जा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। प्री हीटेड ओवन में इसको रखेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए बेक होने के लिए। तो चलिए हम इसको बेक करते हैं, और सेम इसी प्रोसीजर से मैं अपना एक और जो ब्रेड है उसको रेडी कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने इसको बेकिंग ट्रे पर रखकर सेट कर लिया है। अब हम इसको बेक करेंगे। ये देखें, हमने ओवन को प्री हीट कर लिया है। अब हम इसको ओवन में रख देंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको ओवन में रख दिया है। इसको हमने तब तक बेक करना है जब तक इसकी चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये 3 से 4 मिनट लेगा और चीज इसके अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, और फिर हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी जो डो वगैरह है वो सब कुछ पहले से ही पका हुआ है। हम जस्ट चीज को मेल्ट करने के लिए इसके अंदर रखा। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो पिज्जा थे वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकालने लगे। ये देखें, चीज जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो पिज्जा है वो पक्का बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं इसी बेकिंग ट्रे में इसको सर्व करने वाली हूँ। इसके साथ ही आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोज को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसे लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।